81 लाख के पटरी पार के जल भराव क्षेत्र में होगा नाला निर्माण, जिसका शहर विधायक व महापौर ने भूमि पूजन किया। शहर में कोरोना के केस हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ती रफ्तार की चिंता किए बिना विकास के कार्य सतत जारी हैं। हर वर्ष जल भराव की समस्या से निदान हेतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पटरी पार क्षेत्र के वार्ड 19 कैलाश नगर कैनाल रोड के मार्ग फिट आदित्य नगर एवं हनुमान नगर से शक्ति नगर नाला तक 81 लाख रुपए की लागत से पानी निकासी हेतु नाला निर्माण का कार्य का भूमि पूजन सोमवार को शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा किया गया। साथ ही संबंधित निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता पूर्वक कार्य करने निर्देश दिया गया कि संबंधित क्षेत्र के निवासियों को निर्माण के बाद पानी भराव की शिकायत ना हो। इस संबंध में न्यूज टीम को शहर विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो हमारा फोकस पूरा दुर्ग शहर है। दुर्ग शहर के साथ साथ हमने पटरी पार क्षेत्र में 9 वर्ष में लगभग 2 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का हमने भूमि पूजन किया है। आज हमने आदित्य नगर और कैलाश नगर का नाला, जो हमेशा जल भराव की स्थिति में रहता था, डुबान में आ जाता था, बहुत से घर डूब जाते थे। पिछले दौरे में जब हम लोग गए थे तो वार्डवासियों ने यह मांग की थी कि यहाँ पर नाला निर्माण, पक्का नाला निर्माण कराया जाए। तो उसके लिए लगभग 1 करोड़ 50 लाख की लागत से 2 नालों का आज हमने भूमि पूजन किया है और भूमि पूजन होने के तत्काल बाद ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस तरीके से जो दुर्ग में जल भराव की स्थिति है, विद्युत नगर में भी लगभग 1 करोड़ की लागत से नाला निर्माण किया जा रहा है, जो बहुत से वार्डों को प्रभावित करेगा। तो हमारा ध्यान ये है कि बरसात में लोगों के घर में पानी न घुसे। शंकर नाला का भी लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है और 3 जगह काम प्रारंभ है, सीमांकन किया जा चुका है और बहुत तेज़ी से शंकर नाला का भी काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो नालों का जो वार्डों से होकर जा रहे हैं और जो मुख्य नाला है, जो शहर से लगभग 11 किलोमीटर लंबा नाला है, वो करीब 14 वार्डों को प्रभावित करता है, उसका निर्माण का भी कार्य जारी है। आपने देखा होगा कि इस बार बरसात में लोगों के जल भराव की स्थिति कम निर्मित हुई और आने वाले कुछ समय बाद जो अगली बरसात होगी तो यह स्थिति लगभग समाप्त हो जाएगी। टेन डीसी न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।